अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मार्केट स्टाइल बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ चॉकलेट आइसक्रीम। इसके अंदर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है, एकदम से सॉफ्ट है ये देखिए। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन में एक कप दूध, और दूध के साथ मैंने जो दूध के ऊपर मलाई रहती है उसे भी ले लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1/3 कप शुगर, साथ ही डालेंगे 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब इसे हम पकाएंगे। तो इसे हम गैस पे रखते हैं। अब इसे हम चलाते हुए पकाएंगे गाढ़ा होने तक। तो गैस के फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम पे रखा है। तो यहाँ पे पकते हुए 2 से 3 मिनट हुआ है और ये एकदम से गाढ़ी हो गई है, ये देखिए। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो और भी एकदम से थिक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चिल्ड क्रीम, ये नॉन डेरी क्रीम है। तो सबसे पहले हम इसे बीट कर लेंगे एकदम से थिक होने तक। तो ये क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो चुकी है, ये देखिए, और वॉल्यूम में जितनी थी उसकी डबल हो चुकी है। तो अब जो हमने दूध का मिक्सचर बना के रखा था ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इसे हम लो स्पीड पे मिक्स कर लेंगे। एक बार इसे हम स्पैचुला से मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा आइसक्रीम बेस बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम जिस बर्तन में हमें सेट करना है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पेपर मोल्ड, मैं इसके अंदर आइसक्रीम बेस डाल देती हूँ। आप चाहें तो किसी भी कंटेनर में या किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भी आप डाल के इसे सेट कर सकते हो। इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे ग्रेट की हुई डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट। मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया था इसे। यह ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अब इसे हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। आप चाहें तो कोई भी प्लास्टिक जो आपके घर में मौजूद है उससे भी आप इसे कवर कर सकते हो। इस तरह से हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। बाकी जो बचा है मैंने इस तरह का पेपर ग्लास लिया है, इसमें हम डालकर सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ग्रेट की हुई चॉकलेट डाल देंगे। अब इसे भी हम फॉइल से कवर कर देंगे। अब इसे हम रख देंगे फ्रीज़र में रात भर के लिए या 8 से 10 घंटे के लिए। फिर मिलते हैं 8 से 10 घंटे के बाद।